Hello guys, welcome back to the channel. Today I'm gonna discuss three articles with you. I'll tell you which one are important, which you have to read on your own. ठीक है, ये नागपुर वार्निंग वाला आई हैव रेड. देर इज़ नथिंग मच इम्पॉर्टेंट, बट आई टेल यू वॉट इट इज़. इट्स ऑल अबाउट वैक्सीन. दूसरा ये रेवेन्यू पे है. दिस आई एम गोना डिस्कस विद यू. क्लैमर ऑफ द मॉब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस द ओन सेल्स द बॉम्बे बेगम्स आर अनसेफ, नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. टॉकिंग डाउन टू वुमेन, ये जो अभी हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तमिलनाडु में सिटीजन्स को मतलब हाउस होल्ड्स को वर्क दिया जा रहा है. तो ये यू हैव टू रीड दिस ऑन योर ओन, दिस इज़ योर होमवर्क. देन आई एम गोना डिस्कस नीडेड नेशनल सिक्योरिटी इन शील्ड इन FDI. यहाँ पे बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है प्री के बेसिस से कि देशभक्ति कहाँ पे शुरू हुआ. ये दिल्ली में शुरू हुआ है प्रोग्राम, दैट्स इट. एंड दिस इज़ द आर्टिकल डेवलपमेंट द स्टेट एंड क्लेम. और यह हरियाणा बिल पे है कि कैसे आपको हरियाणा बिल ज़रूरी है. इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, एंड इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस इट यू हैव टू टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है, ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है. ये कहा गया है कि वैक्सीन लगने लगी है, अब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है जो कि 45 एज से ऊपर थे या वल्नरेबल थे. तो नागपुर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस. तो ऐसा ना हो कि देश द्वारा स्टेट लॉकडाउन लगा दें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वैक्सीनेशन अब ज़्यादा बढ़ानी चाहिए. फिर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाहर निकाल दिया गया है ट्रायल मोड से, अब उसको भी कोविशील्ड के साथ करा जा रहा है. कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, दैट्स इट. और उसकी एफिकेसी 81% है. यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी क्या हो रहा है लॉकडाउन के टाइम पे, स्टेट्स ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया है. क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स ने तो बहुत बढ़ा दिया, कुछ ने कम कर दिया, और ये डिस्ट्रेस कर रहा है. इसमें देखा जा रहा है कुछ स्टेट्स ने, देखो 13 स्टेट्स हैं जिनका 4.5% GDP का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फिस्कल डेफिसिट जा चुका है, जब फ्रॉम 2.8%. और कुछ स्टेट्स जिन्होंने कम कर दिया है. और नेक्स्ट ईयर पर हमारा टारगेट ये है कि हमें फिस्कल कंसल्टेशन 3.3% से लाना. तो अब ये दिक्कत की बात है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा स्टेट पुश देना पड़ेगा. आई थिंक आप कोई आर्टिकल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, उसमें यही था कि आपको स्टेट पुश देना पड़ेगा तभी ये प्राइवेट सेक्टर उठ के आएगा. जब तक गवर्नमेंट को पुश नहीं देंगी तब तक प्राइवेट सेक्टर भी आगे नहीं आने वाला है. ठीक है, हमारा GST कलेक्शन बहुत कम था, 5.8 लाख करोड़ था, और ये फॉल हो गया था 5.886 करोड़ हमने एस्टिमेट किया था. ठीक है, टारगेट हमें 21.2% ही कलेक्शन फॉल कर गया, 4.62 करोड़ ही मिला. ठीक है, केरला उत्तर प्रदेश में तो रेवेन्यू लॉस 30% तक हो गया है. वैट में भी हमें गिरावट मिली है. ठीक है, कुछ स्टेट है, बट कुछ स्टेट है जिन बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक उड़ीसा वेस्ट बंगाल, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया, बट दे आर स्टिल दे हैव पुट रेस्ट्रिक्टेड द फंड. तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि ऐसे जस्ट बिकॉज कि ये जो हेल्थ सेक्टर वो स्टेट सेक्टर में आता है, स्टेट शुड स्पेंड, और जिन स्टेट्स ने नहीं किया है दैट इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा पुश हेल्थ सेक्टर को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नाउ द इकॉनमी वुड बी हेल्थ सेंट्रिक इकॉनमी. ठीक है, बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट हैज सेट लेवल टू ऑफसेट द डिक्लाइन. देखो अब ये कहा गया है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की ज़रूरत है, चाहे सेंट्रल करे चाहे स्टेट करे. जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है स्पेशली इन द इनफॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकॉनमी, ये पॉलिसी से सपोर्ट हमें करना ही पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल इफ़ यू वॉन्ट, आई डिस्कस यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो. ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमें FDI में, अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर की ड्यूरिंग कोरोना स्टेट गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे FDI पे, जो भी बॉर्डरिंग नेशन था एक्सेप्ट सम, तो मोस्टली चाइना वॉज टारगेटेड इन दैट. तो कि अब जितना भी FDI आएगा वो गवर्नमेंट टूट जाएगा. तो अभी हो रहा है कि शायद चाइनीज FDI को 25% तक हम छूट दे देंगे, चलिए आप ऑटोमेटिक रूट से आ जाए. तो ऑथर ने कहा ये सिर्फ हमारे यानी US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, हर जगह यही चीज़ हो रही है कि आप ब्लॉकिंग कराई जा रही है अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए. हमारे यहाँ FEMA यूज़ किया जाता है, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको करने के लिए यहाँ पर 2 मैक्रो स्पेसिफिक प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट चले और हमारा ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरन एक्सचेंज हो. ठीक है,
यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि कितना इन्वेस्ट होना चाहिए एफडीआई रूट से, किस सेक्टर पे, और कितना आना चाहिए और कौन इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे कहा गया है कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स की जो रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडेंशियल से नहीं फॉलो होते हैं। एक कंसर्न इसका ये है कि जब फेमा लगाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कौन से एक्चुअली आ रहे हैं जिनको नीड है इन्वेस्टमेंट करने की, या और कौन हमारे फॉरन सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पे तीन क्राइटेरिया हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। पहला पब्लिश किया गया पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ऑथर्ड बाय थियोडोरे, आई एम सॉरी फॉर ट्रांसलेटिंग इट रॉन्ग, एच मोरान। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि देयर वाज अ मेथड टू कैलकुलेट इट इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे तीन मेथड है, इसमें ये बोला गया, पहला मेथड ये है कि अगर फॉरेन एक्विजिशन इंडिया को डिपेंडेंट बना देता है, ठीक है, वहाँ के सप्लायर पे, और वो क्रूशल हो इंडियन की इकोनॉमी के चलने के लिए। इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ना हो और जो कॉस्ट हो उसकी करने की सब्सटीट्यूट वो बहुत ज़्यादा हो, तो वो हमारे उसमें आ जाएगा कि हाँ नाउ दिस इज़ क्रूशल फॉर द कॉन। सेकेंड ये बताया गया है कि अगर जो प्रपोज्ड एक्विजिशन है, ट्रांसफरिंग अ टेक और एन एक्सपर्टीज टू अ फॉरेन कंट्रोल्ड एंटिटी दैट माइट बी डिप्लॉयड बाय द एंटिटी और फॉरेन गवर्नमेंट इन अ मैनर हम, उन्होंने कहा कि अगर आपने जब ये करा है तो जब अलाउ किया है और जो एक्विजिशन हुआ है उससे अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है जो कि हमारे इंडिया नेशनल इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल हो सकती है, और ये क्रेडिबिलिटी इसकी डिपेंड करती है कि ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो टाइटली कंसंट्रेटेड है और रेडिली अवेलेबल है, तो कि हमारे सिक्योरिटी में। तीसरा इन्होंने बोला है कि इफ़ प्रपोज एक्विजिशन अलाउज इंसर्शन, अगर इससे कुछ ऐसी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज आ जाती हैं जैसे इन्फिल्ट्रेशन, सर्विलांस और सैबोटाज हो सकता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एजेंट्स का, तो फिर ये हमारी इकॉनमी के लिए ज़रूरी हो जाएगी। आगे उन्होंने ये बोला है कि हाँ, इवन ऑस्ट्रेलिया एक्विजिशन एंड टेक ओवर एक्ट 1975 आया है, इसमें ट्रेजरार को पावर के वो ब्लॉक कर सकता है, उसे 30 दिन के अंदर डिसीजन देना होता है या फिर 19 डेज के अंदर, अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसको एक राइटिंग में देना होता है फेडरल रजिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेशन को। और उसके बाद इवन इन्वेस्टमेंट कैनेडा एक्ट 1985 ने एम्पावर किया है अ मिनिस्टर टू रिजेक्ट सर्टन फॉरन एक्विजिशन। कैनेडा में भी एक मिनिस्टर कर सकता है, उसको एडवाइस करना पड़ता है, उसको एडवाइस मिलती है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसको 45 डेज में डिसाइड करना होता है, एक्सटेंडेबल अबाउट 30 डेज। अगर वो अप्रूव नहीं, नॉट अप्रूव और नॉट रिजेक्ट करता है तो उसको डीम्ड अप्रूव माना जाता है, फिर भी अगर आप उनको नहीं पसंद आता है तो वहाँ की पब्लिक कर सकती है, और फिर भी नहीं आता है तो मिनिस्टर को अनसेटिस्फाइड है तो उसको राइटिंग में क्लैरिटी देनी पड़ेगी। क्यों? तो उन्होंने कहा है कि ऐसे ही इंडिया के को भी चाइनीज़ एफटीआई को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्या पता कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हों पर हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है कि एक्चुअली कौन हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।